इस फिल्म में किसका कैसे कहां पे कौन सा नसीब खुलेगा और किसकी कैसे लगेगी ये सोच ही नहीं सकते। फिल्म के सेकेंड हाफ में मुझे सरबजीत फिल्म की ही याद आ गई। आपको भी वैसे ही लगेगा जब आप ये फिल्म देखोगे। लेकिन ये फिल्म एक सच्ची घटना पे आधारित है। अभी कहानी के साथ तो थोड़ा लिबर्टी लेता ही क्रिएटर, क्योंकि स्क्रीन पे दर्शाते वक्त दर्शकों को भी तो पसंद आना चाहिए ना। सही बोला। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का है हमारे चैनल पे स्वागत, जहाँ पे मैं एके आपका होस्ट और ये रहे मेरे गोस्ट। बात करेंगे इस फिल्म के बारे में बिना आपका वक्त बर्बाद किए। शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। तो आज बात करने वाले हैं हम द कुरियर फिल्म की। मंजे, खबर या सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। अभी इस फिल्म के टाइटल से ही पता चल गया कि इस फिल्म के अंदर क्या होने वाला है। तो सीधे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है सन 1960 के समय से, जब अमेरिका और रशिया के बीच में तनाव था और दोनों ही परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के सक्षम थे। और इस दुनिया में खास करके रूस और अमेरिका के बीच परमाणु जंग किसी भी क्षण हो सकता है। पर इन सब में रशिया थोड़ा ज्यादा उत्तेजित रहता है और वो बस आक्रामकता से यूएस के विरुद्ध हमला करने के लिए मौके की तलाश में रहता है। रशिया के इसी रवैये से डरकर अपने परिवार को एक खुशहाल भविष्य देने के इरादे से GRU, जो एक रशिया का सीक्रेट एजेंसी है, उसमें काम करने वाला एक लेफ्टिनेंट कर्नल ओलेग पेनकोव्स्की। हमें फिल्म के शुरुआत में ही कुछ अमेरिकन को उनका जो रशिया में यूएस एम्बेसी है उसमें कुछ दे आने कहता है, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यूएस के लिए। जब ये खबर CIA के हाथों लगती है, तो क्योंकि उनकी पकड़ मॉस्को में थोड़ा ढीला रहता है एक केस की वजह से, तो वो सोचते हैं कि चलो हम MI6 के पास जाएंगे, जो एक ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी है। और वैसे ही ब्रिटेन और यूएस वर्ल्ड वॉर 2 में बड़े ही अच्छे दोस्त हुए रहते हैं। तो ये खबर सुनने के बाद MI6 बोलता है कि हम हमारे टीम में से सबसे बेस्ट बंदा मॉस्को भेजेंगे, जो पेनकोव्स्की से कॉन्टेक्ट कर जो खबर लाना है वो खबर जान लेंगे। लेकिन CIA एजेंट का कहना होता है, क्योंकि खबर देने वाला वो खुद ही रशिया में बड़े औहदे पे लेफ्टिनेंट है, तो उससे अगर कोई डायरेक्ट MI6 एजेंट जाकर बात करे और ये बात अगर किसे पता चली तो दोनों के जान के लिए घातक होगी और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलना है वो भी नहीं मिलेगी। और इसके ऊपर CIA एजेंट एक सजेशन देती है, क्यों ना हम एक ऐसे लोकल बिजनेसमैन को अपॉइंट करें जो एक आम इंसान हो, यूके से यूरोप में हमेशा ट्रैवल करता हो और एक कवर के नाम पे भी पेनकोव्स्की स्टेट कमेटी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में काम करता है। तो उस बिजनेसमैन को उससे कनेक्ट होने के लिए आसानी घिरेगी और दोनों आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करके हम तक लाकर दे सकते हैं। और इसी आइडिया से हमारी मुलाकात हो जाती है इस फिल्म के लीड हीरो से, जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज और शेरलॉक जैसे जबरदस्त रोल निभाए हैं, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, जो इस फिल्म का ग्रेवल वेन, जो एक एक्स आर्मी मैन प्राइवेट था वॉर के वक्त, जिसने कोई जंग नहीं देखा और अभी एक मिडिल एज इंडिपेंडेंट सेल्समैन है, मतलब एक मिडिलमैन समझ लो, बिजनेस टू बिजनेस के बीच में मशीनरी और उनके पार्ट्स की बिक्री करता है। और इस मिशन के लिए उसे सिलेक्ट कर लेते हैं और वही है इस फिल्म का कुरियर बंदा, जिसका काम जेम्स बॉन्ड बनना नहीं तो बस एक बिजनेसमैन बनके मॉस्को जाकर पेनकोव्स्की से जो कुछ भी खबर उसे देना हो वो खबर लेकर वापस इंग्लैंड आके CIA एजेंट और MI6 एजेंट को वो खबर देना है। बस इतना सा ही है उसका काम। जो मेरा नाम है, तो पहले तो वो मना करता है लेकिन बाद में उसे लगता है कि एक हाथ दो बार करना होगा और एक बार अगर मैंने पेनकोव्स्की को CIA और MI6 एजेंट से मिला दिया तो मेरा काम खत्म। लेकिन जैसे ही वो पेनकोव्स्की से मिलते हैं तभी उन्हें पता चलता है रशिया तो परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन उन्हें इसके ऊपर और ठोस सबूत चाहिए होते हैं। इसलिए वो वेन को बोलते हैं कि तुझे और कुछ समय हमारे लिए काम करना होगा, जिसके लिए वो साफ मना कर देता है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक काम है। लेकिन ये औरत उसे किस तरीके से मनाती है ये सिर्फ और सिर्फ ये फिल्म देखकर ही पता चलेगा। और वो बात सुनकर वो वापस से तैयार हो जाता है। लेकिन मगर किंतु परंतु क्या लगता है आपको, ये सारा इन्फॉर्मेशन का लेना देना इतना आसान होगा? मैंने शुरुआत में ही इसलिए कहा था कि ये आधा फिल्म तो मुझे सरबजीत जैसा ही लगता है और उसमें कैसा उसका हालत था वैसा ही इसमें इसका हालत होता है। लेकिन इस पूरे मिशन में हमें कैसे एक आम इंसान दो देश को उनके बीच होने वाले परमाणु हमले से बचाते हैं
और एक बहुत ही अच्छी और सच्ची दो लोगों की गहरी दोस्ती को इस फिल्म में दर्शाया है। तो इस फिल्म में आगे क्या होगा वो तो आपको ये फिल्म देखकर ही पता चलेगा। मैंने तो बस आपको सिर्फ कहानी बताया है, लेकिन आगे क्या क्या हंगामे होंगे ये आपको देखकर ही महसूस करना पड़ेगा। लेकिन ये फिल्म थोड़ा समझने के लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस वक्त का रशिया और यूएस के बीच के तनाव के बारे में हमें इतना कुछ ज्यादा पता नहीं है। और मैंने महसूस किया है कि कई बार ये फिल्म बोरिंग हो जाता है, काफी स्लो फिल्म है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन का लेना देना है इस फिल्म के अंदर, कोई एक्शन वैक्शन कुछ नहीं है, तो सिर्फ डायलॉग बाजी और ड्रामा है टोटल। और थ्रिल भी इतना कुछ थ्रिल का होल्ड नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हमें पता है कि इन्फॉर्मेशन लेने देने वाले हैं, सिर्फ हमें एक यही होता है कि आगे क्या होने वाला है, एंड में क्या ये पकड़े जाएंगे नहीं जाएंगे, और अगर पकड़े गए तो इनके साथ क्या होगा, इनके फैमिली का क्या होगा, इतना ही थोड़ा बहुत हमें थ्रिल काइंड ऑफ होल्ड होता है। लेकिन मेजॉरिटी टाइम ये सारे काइंड ऑफ मूवीज हमने पहले देख चुके हैं, तो इतना कुछ एक्साइटिंग, इसको और थोड़ा एक्साइटिंग बनाया जा सकता था, स्टोरी और स्ट्रॉन्ग बनाई जा सकती थी, स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छा है, स्क्रीन राइटिंग भी काफ़ी हद तक अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी इतना कुछ खास आउटस्टैंडिंग नहीं लगा, बहुत ही सिंपल टाइप्स ऑफ मूवी लगा मुझे, तो इसे और बेस्ट बनाया जा सकता था। इतना कुछ खास नहीं है, जो मैंने रेटिंग्स देखा ऑनलाइन तो मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बेनेडिक्ट अगर काम कर रहा है तो उसका एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है और होगा ही, क्योंकि वो थिएटर आर्टिस्ट है, उसने काफ़ी सारे प्लेज और इसके ऊपर एक्ट किया हुआ है, तो उसके बाद अभी धीरे धीरे काम मूवीज़ में आ रहा है, छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज़ भी किए उसने, तो वो एक स्किल्ड इंसान है, एक स्किल्ड एक्टर है, तो उसके पास से तो हमें वो एक्सपेक्टेशंस रहेगी एक्टिंग के लिए। लेकिन जो कंसेप्ट है, टोटल स्टोरी है, स्टोरी लाइन है, वो इतना भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये एक रियल बेस्ड स्टोरी है, मतलब रियल इवेंट्स पे स्टोरी बेस्ड है। थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी ने लिबर्टी लेकर थोड़ा बहुत चेंजेस किया है, लेकिन वो और अच्छा इम्पैक्टफुल कर सकते थे। तो अकॉर्डिंग टू MPA इस फिल्म को रेटिंग दिया है PG-13, मतलब 13 साल के नीचे बच्चों को पेरेंटल गाइडेंस की जरूरत होगी। लेकिन ये फिल्म काफी क्लीन है, काफी सिंपल और स्ट्रेट है, तो इसके अंदर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि पेरेंटल गाइडेंस की जरूरत होगी ही, बच्चे अपने आप से भी फिल्म देख सकते हैं, लेकिन उन्हें समझ कुछ आने वाला है नहीं, क्योंकि पेरेंट्स लोगों के लिए ही, मतलब एडल्ट्स लोगों के लिए ही ये समझना बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन एक दो घंटे का, ऑलमोस्ट एक घंटा 50 मिनट का ये फिल्म पूरे फैमिली के लिए बहुत ही जबरदस्त अच्छा है, मतलब कंफर्टेबल कॉन्फिडेंटली आप लोग बैठ के देख सकते हो। थोड़ा बहुत स्लो है, बोरिंग हो सकता है जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको एक्टिंग ड्रामा देखना है या सिर्फ सिर्फ चलाने के लिए, सिर्फ मूवी चला के आप देख रहे हो। ओवरऑल एब्सोल्युटली वन टाइम वॉच मूवी, अगर आप बेनेडिक्ट के फैन हो तो आपको इस फिल्म के अंदर बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, और खास करके उसकी एक्टिंग जो बहुत ही इम्पैक्टफुल है, मतलब फिजिकली इमोशनली वो इंसान किस किस तरीके से गुजरते जाता है, उसके मूड स्विंग्स कैसे चेंज होने लगते हैं, वो बहुत कुछ, मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट जो बोलते हैं वो इस फिल्म के अंदर आपको 110% मिलेगी। लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर्स, स्टोरी लाइन इतना कुछ खास नहीं है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि एक्शन इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, एक बिजनेसमैन, एक नॉर्मल बंदा है जिसे सिर्फ इंफॉर्मेशन लाना और देना है, दैट्स इट। मूवी का जो मिड एंड है उसके अंदर आपको थोड़ा सा थ्रिल महसूस हो सकता है, एकदम थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा नहीं है। तो अगर आप एक्सपेक्टेशन ये रख के जा रहे हो कि भाई मैं जेम्स बॉन्ड मूवी देखने के लिए बैठ रहा हूँ, या फिर मुझे अंदर इसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी और एस्पियोनेज देखने के लिए मिलेगा, तो वो कुछ होने वाला नहीं है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट स्टोरी है। सिर्फ समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम का हमें कुछ पता नहीं था, और लोग वहाँ पे तभी कैसे बर्ताव कर रहे थे, रशियंस एब्सोल्युटली दे आर लिटिल बिट अग्रेसिव टुवर्ड्स यूएस, और अभी भी उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर मुठभेड़ होती हैं, तो फिर वो स्पेस वॉर हो या फिर अर्थ वॉर, जो कुछ भी हो वो लोग आपस में भिड़ते ही रहते हैं। लेकिन इस फिल्म में आपको ये सब कुछ चीज़ देखने नहीं मिलेगा, सिंपल सिर्फ ये लोग, ये दो लोग कैसे मिलते हैं और कैसे इनकी कैरेक्टर डेवलप होती है, कैसे इनकी फ्रेंडशिप बढ़ती है, कैसे एज अ ह्यूमन फ्रॉम टोटल डिफरेंट कंट्री और टोटल डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड से आकर ये लोग जब आपस में मिलते हैं तो कैसी बॉन्डिंग क्रिएट होती है और कैसे ट्रस्ट बिल्ट होता है, ये आपको इस फिल्म में बहुत ही खूबी से दिखाया है। और देखने भी मिलेगा कि कैसे इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है और एक मोमेंट ऑफ सैक्रिफाइस आता है दोनों के बीच में, और दोनों ही अपनी दोस्ती पे इतने ट्रस्ट रखे होते हैं कि वो एंड तक सही होता है या गलत होता है ये हमें जानने की बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो ये एक्साइटमेंट को आप अगर लूज नहीं करना चाहते हो तो वन टाइम वॉच मूवी है, 1 hour 50 minutes का आप आराम से बैठ के देख सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि और कुछ देखने के लिए नहीं है, तो एब्सोल्युटली दिस इज द मूवी विच यू कैन टेक अंडर कंसिडरेशन।
तो ये फिल्म आप वीकेंड में देखो, वीकडे में देखो, आपको जैसे लगे वैसे देखो। मैं कहूंगा कि वीकेंड्स में देखोगे तो थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, वीकडे में देखोगे तो इतना मजा नहीं आएगा, ऐसे लगेगा कि भाई कुछ और देख लेता तो अच्छा होता है। इट रियली डिपेंड्स ऑन योर मूड, बट लेकिन आप जब भी चाहे तभी आप देख सकते हो वन टाइम, तो 110% देख सकते हो। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। इस फिल्म के लिए मैं आपका ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आता है या फिर इनमें से कुछ मूल्यवान जानकारी मिलता है या फिर थोड़ा सा एंटरटेनिंग लगता है तो बिल्कुल भी हिचकिचाने का नहीं, तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देनेगा, उसके बाद तुरंत वो बेल का आइकन दबाओ और फिर बाद में ऑल बटन दबाना ताकि जब भी मेरे नए नए व्लॉग्स आएंगे तो पहले सूचना आप तक पहुंच जाएगी। अगर आप इस चैनल पे नए हो या फिर इस चैनल के दूसरे वीडियोस देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे मैंने आपको लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, अनबाजू वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं। बाय बाय।